हनुमानगढ़ के रावतसर के पल्लू क्षेत्र में से खबर आ रही है, जहां हरियाणा की एक महिला द्वारा पल्लू सरपंच पति देवकी नंदन जोशी के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए गए। आपको बता दें, रावतसर सरपंच यूनियन ने मुकदमे को झूठा करार दिया है। झूठा मुकदमा दर्ज कराने को लेकर रावतसर सरपंच यूनियन लामबंद हो गई। इस संबंध में रावतसर सरपंच यूनियन और विभिन्न संघों के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर आज रावतसर SDM और पल्लू थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने सरपंच पति देवकी नंदन जोशी और 3 अन्य लोगों की छवि खराब करने की बात कही है। यूनियन ने इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाने की निंदा की है। मुकदमा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झूठा बलात्कार का मुकदमा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे अच्छी राजनीति करने वाले डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे पल्लू क्षेत्र में ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। देखिए आज जिस तरह से एक सुनीता राजपूत नाम की महिला के द्वारा जिस तरह से एक इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि और 10 नंबर वार्ड के पार्षद होने, वार्ड पार्षद होने के नाते कांग्रेस पार्टी के बूथ के विधानसभा अध्यक्ष भी चुनाव से चुने हुए हैं, उसके बावजूद जिस तरह से उस महिला ने, जिसका चरित्र खराब है, जो ऐसी महिलाएं हर एक ऐसे भोले भाले लोगों को फंसाने का काम और एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है, इसके मार्फत पल्लू के कुछ हो सकता है सामाजिक तत्व साथ मिलकर के एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है जो लगातार पिछले 40 सालों से इस क्षेत्र की राजनीति करता आ रहा है, लेकिन पल्लू की हमेशा ये सोच रही है और जोशी परिवार की हमेशा ये सोच रही है कि कभी द्वेषतापूर्ण या इस तरीके से मुकदमेबाजी न करते हुए पल्लू में एक शांति का माहौल बनाया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे ही सत्यनारायण जी का पुत्र सरपंच बना, उसके बाद इस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को ये रास नहीं आ रहा है, इसलिए तरह तरह से इनके परिवार पर ऐसी छींटाकसी करके और आरोप लगवा रहे हैं। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। आज हम इकट्ठे होकर के यहाँ के थाना अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है और पुलिस के जो हनुमानगढ़ जिले का पुलिस का कप्तान है उसको हमने ज्ञापन देकर के ये कहा है कि ऐसे झूठे मुकदमे अगर जनप्रतिनिधियों पर होने लग गए तो निश्चित तौर पर असामाजिक तत्व बढ़ेंगे, इससे अपराध बढ़ेगा क्षेत्र में और आपराधिक घटनाएं बढ़ेगी क्षेत्र में, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और उस महिला को थाने में ला करके उसकी जांच करके और उसको ये पूछना चाहिए कि आपको मुकदमा किसने करवाया और जिसने इसको महिला को उकसा करके मुकदमा करवाया उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ ऐसी झूठी बकवास और मुकदमा करवाने की हिम्मत नहीं रख सके। इसलिए तमाम आज जितने भी साथी आए हैं, हमने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और ये कहा है कि जांच करो, जांच में उस महिलाओं को कड़ाई कड़ाई से पूछताछ करते हुए उस महिलाओं को ये पूछो कि ये मुकदमा किसने करवाया है और जिसने भी ये मुकदमा करवाया उस पर कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करो, ताकि पल्लू इलाका एक हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है। लेकिन कुछ